उज्जैन क्षेत्र में एक टिम्बर व्यवसायी के दोपहिया वाहन की डिक्की से दो चोरों ने नकदी 5 लाख रुपए चुरा लिए। दोनों चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। एक हेलमेट और दूसरा नकाब पहने हुए था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्लॉट नंबर 57 सूर्य नगर निवासी केतन महेश पटेल ने लकड़गंज थाने में चोरी की शिकायत की है। केतन ने बताया कि 6 सितंबर को शाम करीब 5:15 बजे उक्त घटना हुई। उनके भाई ने बैंक में जमा करने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद उन्होंने एक्टिवा की डिक्की में काले रंग के बैग में 5 लाख रुपए रखे और डिक्की को लॉक कर दिया। रकम बैंक में जमा करने जाने के दौरान बरबटी गार्डन के पास दाबेली लेने के लिए रुके। लौटे तो एक्टिवा की डिक्की खुली दिखी। डिक्की से नकदी 5 लाख रुपए चोरी हो गए थे। लखड़गंज के वरिष्ठ थानेदार पराग पोटी के निर्देश पर थाने की सहायक पुलिस निरीक्षक समीक्षा पाटिल ने चोरी का मामला दर्ज किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN News, नागपुर।